नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं किशन गुप्ता आपके अपने चैनल इंस्पेक्टर किशन के में एक बार फिर स्वागत करता हूं और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने बहुत रिसर्च करके ये टाइम टेबल बनाया क्योंकि अब 90 दिन बचा है सीजीएल में, तो आपको डेली क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या आवर डिस्ट्रीब्यूशन ये देख लीजिए। मैथ्स में आपको 3 घंटे डेली देने हैं, इंग्लिश में 3 घंटे देने हैं और जीके में आपको 2 घंटा देना है और रीजनिंग में आपको 40 मिनट या 50 मिनट देना है डेली, ठीक है। अब इनको कैसे डिटेल में देखेंगे आगे वीडियो में पूरा देखिएगा। देखिए, ये एक दिन में नहीं हो पा रहा था इसीलिए मैंने इसको 4 दिन के पैकेज में एक बनाया है। आपको 4 दिन तक एक शेड्यूल फॉलो करना है, उसमें सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है, कितने घंटे देने हैं मैं आपको बताऊंगा। मैंने बहुत कोशिश की कि इसको 6 से 7 घंटे में कंप्लीट किया जा सके, बट सीजीएल में आप जानते हैं कि 90 दिन बचे हुए हैं तो 6-7 घंटे में कंप्लीट हो नहीं पाया, तो ये लगभग 8.5 घंटे तक जा चुका है। बट आप इतना प्रेशर न लें, 8.5 घंटा भी आपको पढ़ना जरूरी है अगर आपको सीजीएल क्रैक करना है तो अगले 3 महीने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपने सब्जेक्ट 1 मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स का डे 1 आएगा। डे 1 में आपको सबसे पहले पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है 2.5 घंटे, ठीक है, और उसमें आपको पढ़ना है कैलकुलेशन करना है 1/2 घंटे। तो पहले दिन आपको करना क्या ट्रिग्नोमेट्री में, पहले दिन आपको करना है अपना क्लास नोट्स रिवाइज और कैलकुलेशन आप करेंगे जो मोहित गोयल सर का इंस्पेक्टर चालीसा है, जो कि मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नोट्स और इंस्पेक्टर चालीसा आपको कैलकुलेशन करना है फर्स्ट डे, ठीक है। अब डे 2 की बात करेंगे। डे 2 में आपको भी सेम चीज करनी है, ट्रिग्नोमेट्री 2.5 घंटे पढ़नी है, कैलकुलेशन 1/2 घंटा करना है, लेकिन अब उसमें ट्रिग्नोमेट्री में आपको 2010 से लेके 2021 तक के ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में एसएससी ने पूछे हैं उनको सॉल्व करना है, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि आपको 3 दिन में ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करना है। ट्रिग्नोमेट्री कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो आपको इसको खत्म करना है, ठीक है, और फिर से वही 1/2 घंटे का कैलकुलेशन इंस्पेक्टर चालीसा से। डे 3 में भी सेम चीज चलेगा, 2.5 घंटे आपको ट्रिग्नोमेट्री करना है, सेम 2010 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर को जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है और 1/2 घंटे कैलकुलेशन इंस्पेक्टर चालीसा से। ये आपको 3 दिन मैथमेटिक्स में फॉलो करना है आगे आने वाले 3 दिन में, ठीक है। अब आपको आते हैं सब्जेक्ट 2 इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आपको डे 1 में फॉलो करना है, पहले दिन 1 घंटे ग्रामर पढ़ना है, फिर आपको 1/2 घंटे का वोकैब पढ़ना है और फिर आपको 1 घंटे का प्रैक्टिस करना है। अब आपके सोर्सेस कहां से होंगे, ग्रामर आप पढ़ेंगे प्लिंथ टू पैरामाउंट से 1 घंटे, वो कैब आप करेंगे देसु जुगाड़ से, और थर्ड वन इज प्रैक्टिस करेंगे आप एमबी पब्लिकेशन से 100 क्वेश्चंस, ठीक है, और उसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अच्छे से उसको एनालाइज करेंगे कि 100 क्वेश्चंस में क्या सीखा मैंने, क्या गलत किया, ठीक है। डे 2 में इंग्लिश में क्या करेंगे, डे 2 में भी सेम काम है, आपको 1 घंटे ग्रामर पढ़ना है, 1 घंटे एमबी पब्लिकेशन से प्रैक्टिस करनी है और 1/2 घंटे आपको क्या कहते हैं ये वो कैब पढ़ना है, ठीक है। सोर्सेस वही है, प्रिंट टू पैरामाउंट ग्रामर के लिए, एमबी पब्लिकेशन आपके प्रैक्टिस के लिए, और देसु जुगाड़ आपको करना है वो कैब के लिए, ठीक है। डे 3 में आएंगे, डे 3 में थोड़ा सा चेंज है, डे 3 में आपको ग्रामर को स्किप करना है, डे 3 में आप वो कैप करेंगे सेम तरीके से देसी जुगाड़ से, और आप एमबी पब्लिकेशन से मिनिमम 200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना भी आपको टाइम लगता है 2 से 2.5 घंटे में आपको उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ एमबी पब्लिकेशन से करने के लिए, उस एमबी पब्लिकेशन से क्वेश्चन जो आप करेंगे उसको आप कंप्लीट तैयार करेंगे, ऐसा नहीं कि जब वो क्वेश्चन दोबारा आए तो आपसे गलत हो जाए, जो क्वेश्चन आप वहां पे सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन अगले बार पेपर में आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ये तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो रहा इंग्लिश की बात, अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, रीजनिंग में आपको डे 1 डे 2 डे 3 तीनों दिन का रूटीन आपका सेम रहेगा, 40-40 मिनट आपको देना है, जितना कम टाइम दे सकते हैं, 40 मिनट तो मैंने बिगनर्स के लिए दिया है, जो आप रिपीटर्स हैं जिनकी रीजनिंग थोड़ी सी अच्छी है, जिनको पता है क्या क्या आता है, तो वो 40 से जितना कम में कर सके उतना ही फायदेमंद होगा। इसमें आपको करना क्या है, 50 क्वेश्चन लगाने हैं, 50 क्वेश्चन लगाने कैसे, 25-25 के 2 सेट लगाने हैं। सीजीएल 2018 में या सीजीएल 2018 के बाद जो भी टीसीएस ने पेपर लिया है रीजनिंग का, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें आप ये देखेंगे कि आप कौन से चैप्टर के क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं 2-3 सेट में, तब आप उस चैप्टर को यूट्यूब से जाके पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत उसके कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, बाकी आपको रीजनिंग में सिर्फ डे 1 डे 2 डे 3 में सिर्फ यही काम करना है, 50 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। 40 मिनट का समय मैंने दिया है, लेकिन जितना कम समय लेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए। अब आएगी बात लास्ट, जो कि जीके है, बहुत लोग परेशान है जीके के लिए, तो मैं जीके के लिए आपको बहुत ही बढ़िया सा शेड्यूल बताऊंगा पूरे 90 दिन का, जिसमें आप अच्छे से कम 25+ स्कोर कर सकेंगे। तो जीके के डे 1 में आपको क्या करना है और डे 2 में क्या करना है और डे 3 में क्या करना है, तीनों चीजें सेम है। आपको सबसे पहले एक सब्जेक्ट उठाना है हिस्ट्री।
हिस्ट्री में आप 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे मनोहर पांडे की, जो 25 रुपए की किताब मैंने बताई थी अपने बुक लिस्ट में वहां से, और 1 घंटा आप घटना चक्र से या राकेश यादव की जो इंग्लिश मीडियम की प्रीवियस ईयर जीके की बुक आती है उससे, या किरण से, किसी से भी आप सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री 1 घंटा वहां से पढ़ेंगे और 1 घंटा मनोहर पांडे से पढ़ेंगे। ये आपको 3 दिन लगातार करना है, तो 3 दिन में आप अपनी पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे मनोहर पांडे से भी और अपने प्रीवियस ईयर से भी, ठीक है। अभी आपको धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट करेंगे, करंट अफेयर्स के लिए मैं बाद में बताऊंगा। ये था आपका जीके के लिए अगले 3 दिन का शेड्यूल। अब बारी आती है डे 4 की। डे 4 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। डे 4 में आप बिल्कुल फ्री रहेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। डे 4 में आपको सबसे पहला काम करना है एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट कहां से होना चाहिए? मॉक टेस्ट आपके टेस्ट बुक का प्रीवियस ईयर या सुपर मॉक से प्रीवियस ईयर करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, अपना स्कोर एक पेपर पे नोट करेंगे कि दिस डे को मैंने इस मॉक टेस्ट में इतना नंबर पाया हूं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उस मॉक को थोरोली एनालाइज करेंगे, ठीक है, कंप्लीटली एनालाइज। एनालाइज इस तरीके से करना है कि आप दोबारा अगर वो क्वेश्चन जो आपसे उसमें गलत हुआ है, जिसमें ज्यादा टाइम लगा है, वो क्वेश्चन आपके सामने अगर दोबारा आता है तो आप उसको कम समय में सही कर सके, ठीक है। इस तरीके से मॉक को एनालाइज करना, जितना टाइम लग सकता है उतना टाइम उसमें लगाना है। एंड द थर्ड थिंग आपको क्या करना है डे 4 पे, जो भी आपके ऐसा होता है ना कि आप पूरा 70-80% टाइम टेबल लोग फॉलो कर पाते हैं, तो जो भी आपके डे 1 डे 2 और डे 3 से कुछ बचा हुआ हो मैथ्स में, इंग्लिश में या रीजनिंग में, तो आपको जो कुछ बचा हुआ है या जो आपको लगता है कि रिवीजन करना चाहिए, आप उसको डे 4 में बचे हुए समय में रिवीजन कर सकते हैं। थोड़ा सा चिल करेंगे, डे 5 से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो डे 4 का जैसे ही एंड होगा, मैं डे 5 के फर्स्ट डे आपको फिर से डे 5, डे 6, डे 7 और डे 8 का शेड्यूल दे दूंगा। ये आप शेड्यूल अगर फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप 90 डेज में सीजन को 100% क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही शेड्यूल को फॉलो कर रहा हूं और आप भी करिए, और मैं चाहूंगा कि हम सबका सिलेक्शन एक साथ हो और हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। जय हिंद।